अध्यक्ष विधान परिषद श्री सत्यदेव जी पचौरी, हमारे लोकप्रिय सांसद कानपुर नगर श्री रविंद्र पाटनी जी, पूर्व महापौर को आपने सुना, तो यह स्थान था, वहां सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था। उस समय भी रघुनंदन भदौरिया जी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। एक बार तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजकर आपने इन्हें सेवा करने का अवसर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह फैसला किया कि रघुनंदन भदौरिया एक ऐसे शख्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाने का काम करते हैं, इसलिए रघुनंदन भदौरिया को फिर से विधानसभा में भेजा जा रहा है। वैसे शरीर से भी मजबूत थे और साथ ही साथ बोलने में तो आपने सुना ही इनका कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं गड़बड़ होता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, यह है रघुनंदन भदौरिया का स्वभाव। और मैं बहनों भाइयों यह बतलाना चाहूंगा कि अभी दो चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 113 सीटों में, मैं आकलन पूछ रहा था सर्वे एजेंसी से कि क्या अनुमान है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कमोबेश जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी विजय प्राप्त होने जा रही है। दो चरणों का चुनाव संपन्न होने से यह बात पूरी तरह से अब साफ हो गई है कि स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, ज्यादा कुछ बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात बदतर कर दिए थे, हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहनों भाइयों फैसला आपको करना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें कैसे जवाब दिया जा सकता है। एक पार्टी समाजवादी पार्टी कहने को केवल सत्य समाजवादी है, मंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में तो समाजवादी हुआ। कोरोना का संकट पैदा हुआ था, कोरोना के संकट पैदा होने के बाद जब बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन होने के कारण जब सारे काम बंद हो गए, तब उस समय उन लोगों की चिंता करने का काम कि कोई भूख से न मरने पाए हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और आज 80 करोड़ लोगों को भारत के अंतर्गत मेरे बहनों भाइयों महीनों में दो दो बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है, दुनिया के किसी देश में यह देखने को नहीं मिलेगा जो कि भारत की हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, आयुष्मान भारत की योजना लागू होगी, आपको अंदाज नहीं, पता नहीं आप लोगों में कुछ लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है कि नहीं है, मैं नहीं जानता। रघुनंदन भदौरिया इस चीज को सुनिश्चित करिए कि आप विधायक बनने के बाद जितने यहाँ पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं सबके हाथों में आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, और मेरे बहनों भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि हाथ में रहेगा तो एक साल तक, यदि आपके हाथ पे आयुष्मान भारत कार्ड हुआ एक साल में 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा, एक भी पैसा बीमारी का आपको नहीं देना।
आप यदि जाकर बीमार पड़ जाते हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चेन्नई में, चेन्नई दिल्ली कलकत्ता और मुंबई में जाकर बीमार पड़ जाते हैं, वहां पर भी यदि आपके हाथ में आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का मेरे बहनों भाइयों आपका मुफ्त इलाज किया जाए। यह है आयुष्मान भारत कार्ड का करीब। असल में यहाँ पर कट्टा बनता कट्टा कट्टा बनता था, कट्टे चलते थे, लेकिन आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई माँ का लाल कट्टा नहीं बनाने पाएगा, न कट्टा चलाने पाएगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेगी। राज्य ने कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त बनाने में बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है। गुंडे और बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। गुंडे और बदमाश यह मानकर चलते हैं बाहर रहने के बजाय बेहतर यह है कि हमको जेल की चहारदीवारियों के बीच ही रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े माफिया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आलीशान महल बनवा रखे थे, उनके उन आलीशान महलों की क्या हालत हो रही है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुकम्मल सभी स्थानों पर बुलडोजर की व्यवस्था करा दी है। यहाँ पर भी ऐसे माफियाओं के की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़े हैं, अवैध पैसे की कमाई से खड़ी की गई है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा हुए। और सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ के मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया, जिस जमीन पर बड़े बड़े भू माफियाओं का, गुंडों बदमाशों का कब्जा है और वहां पर आलीशान मकान बनवा रखा है, उसको तो हम ध्वस्त करेंगे, उसको गिराएंगे, लेकिन जो जमीन खाली बची होगी उस जमीन पर किसी पूंजीपति का महल नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के लिए वहां पर आवास बनाया जाएगा। यह यहाँ के मुख्यमंत्री ने फैसला किया। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हुआ है आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत उसकी भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा मैं बतलाना चाहता हूं, 2 लेन की ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स और ऐसे जन सामान्य को मार्ग की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 5 वर्ष के अंदर 15,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी ने कराया है। बहनों भाइयों,